Hello everyone, my name is Supreet Kaur. I'm from Jammu. I have completed my studies in medical science and by profession I'm working as teacher. And I'm going to serve my rest of life in teaching. Friends, आज के लिए मैं आपके लिए कुछ नया टॉपिक ले आई हूँ. टॉपिक होने वाला है साइंस. किस साइंस? What is साइंस? साइंस क्या होता है और ये हमें अपने बच्चों को क्यों पढ़ाना जरूरी है और स्पेशली BDI ग्रेड से क्यों पढ़ाना जरूरी है. फ्रेंड्स, सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. साइंस क्या होता है? व्हाट इज साइंस? साइंस इज ड्राइव्ड फ्रॉम लेटिन वर्ड सेंटिया, दैट मींस नोइंग समथिंग, यानी कि जानना किसी चीज के बारे में. चलिए, ये तो होगी किताबी बातें. अब मैं आपको बताती हूँ कि साइंस होता क्या है. साइंस एक ऐसी चीज है जो बाय बर्थ हमारे साथ आती है. अब सिर्फ उसको हमें जानना जरूरी है. अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे? चलिए हम थोड़ा एंशियंट टाइम में चले जाते हैं. अब एंशियंट टाइम में क्या था कि अर्ली मैंस थे. सुना ही होगा आपने, इनफैक्ट पढ़ा भी होगा अर्ली मैंस के बारे में. अर्ली मैंस कैसे थे? जंगल में रहते थे, केव्स में, ओके, हंटिंग करते थे. अब आप ये जानते हैं कि उनको हंटिंग करने का आइडिया कहां से आया? किसे हंटिंग करते थे? वेपन से हंटिंग करते थे. उनको वेपन्स का आइडिया कहां से आया? क्या ये साइंस नहीं है? जब अर्ली मैंस को ये आइडिया आया तो उन्होंने क्या कर लिया? वेपन्स बना लिए. उन्होंने क्या किया? बाय प्रैक्टिसिंग. प्रैक्टिस की तभी क्या हुआ कि उन्होंने उस वेपन को यूज करना सीख लिया. धीरे धीरे उन्होंने अपने केव छोड़ के घर बनाने शुरू कर दिए. कैसे? बाय प्रैक्टिस से. पहले तो वो रॉ मीट खाते थे, कच्चे फल खाते थे, कच्चे मांस खाते थे, कच्ची सब्जियां खाते थे. फिर उनको आइडिया आ गया, बाय प्रैक्टिस किया उन्होंने. क्या प्रैक्टिस किया? कि जो रोस्ट की हुई चीजें, कुक्ड की हुई चीजों का टेस्ट कैसा होता है, क्यों बेनिफिशियल. अब देखिए, अर्ली मैंस के टाइम से हम किस लेवल पे आ गए हैं. ह्यूमन है, दैट इज अ साइंस. साइंस है. अब आप देख लीजिए कि आपके घर का बल्ब खराब हो जाए तो भी आप क्या करते हो? क्या एक्सटेंशन को चेक करते हो, वायरिंग को भी चेक करते हो? घर का आपका ट्रांसफार्मर जल जाए तो भी आप क्या करते हो? किसी इलेक्ट्रिशियन को बुला के क्या करते हो? उसे चेक करवाते हो. इनफैक्ट कई लोग तो खुद ही कर लेते हैं. कुछ पढ़ा होता है साइंस के बारे में अर्ली स्टेजेस में. साइंस तो हमारे अंदर पहले से है, पर उसको प्रैक्टिस करके रियलिटी में लाना वो हमारा काम है. क्योंकि आजकल के बच्चे क्या कर गए हैं कि साइंस को छोड़ते जा रहे हैं और कई लोग जो है वो साइंस को पकड़ते जा रहे हैं. क्योंकि आजकल के लोगों को क्या है, आशर अशरत वाली जिंदगी पसंद है. ज्यादा मेहनत वाली जिंदगी नहीं चाहिए, बट टाइम कभी किसी का नहीं होता, याद रखिएगा फ्रेंड्स. और मैं आपको बताने जा रही हूं कि मैं अपनी क्लासेस में कैसे सिखाने वाली हूं. मैं अपनी क्लासेस में विद एग्जांपल्स, विद एक्सपेरिमेंट सिखाने जा रही हूं. इनफैक्ट बिट बाय बिट टॉपिक भी क्लियर करने जा रही हूं. उससे पहले मैंने आपको साइंस के बारे में बता दिया. अब साइंस क्या करता है, हमारे लिए क्यों बेनिफिशियल है? साइंस डेवलप्स नॉलेज, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, स्किल्स को डेवलप करता है, अपलिफ्ट करता है हमारे डिसिप्लिन को. ये कौन करता है? साइंस करता है. साइंस नहीं हो तो दैट मींस वी आर नथिंग. विदाउट साइंस वी आर नथिंग. ओके फ्रेंड्स, अब देखिए कहां से कहां हम पहुंच गए. इनफैक्ट हम तो चंद्रयान भी बना चुके हैं, वो भी हम देख चुके हैं, मून की भी पिक्चर्स देख चुके हैं. दैट इज अ साइंस. जरूरी नहीं है कि हर बच्चा साइंटिस्ट ही बने, बट कुछ हद तक तो साइंस जरूरत होती है. डे टू डे लाइफ में भी जरूरत होती है. क्यों नहीं जरूरत होती है? होती है भाई, होती है. हम भी कभी कभी साइंटिस्ट बन जाते हैं घर में. एवरी पर्सन इज साइंटिस्ट. जब अर्ली मैन साइंटिस्ट हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते? हमारे बच्चे क्यों नहीं हो सकते? ये सब चीजें हमें सीखने की जरूरत है, बट इसको सिखाने के लिए एक अच्छा ट्रेनर चाहिए जो कि BDI किड्स आपको प्रोवाइड कर रहा है.
और इनफैक्ट मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको मैं विद एक्सपेरिमेंट साइंस पढ़ा सकूं। ओके फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय एंड टेक